100 जावा प्रोग्राम के सीरीज के इस वीडियो हम जानने वाले राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। कोई गिवन नंबर का फैक्टोरियल कैसे निकाल सकते हैं इसको जानने वाले हैं विद प्रैक्टिकली। ओके, तो उसके लिए क्या काम करें, सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होगा। तो यहाँ से फाइल पे आएंगे, न्यू पे आएंगे, न्यू पे बाद जावा प्रोग्राम पे, प्रोजेक्ट पे सिंपली हिट कर देंगे। देन यहाँ पर देंगे 27 प्रोग्राम, यहाँ पर हम नॉर्मली दे देते हैं। ओके, ये हमारा बेसिकली प्रोजेक्ट का नेम इसका इनवैलिड मॉड्यूल नेम 27 इज नॉट ए वैलिड आइडेंटिफायर। क्या इस तरीके से आप नेम नहीं क्रिएट कर सकते? ओके, कोई इशू नहीं। प्रोग्राम 27 हमने यहाँ पर दे दिया, ये नेम वैलिड ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली यहाँ से हम ये नेम एंटर फिनिश पे हिट कर दिए, हमारा ये प्रोग्राम को यहाँ से क्रिएट कर दिया प्रोग्राम 27 करके। ओके, इसके अंदर आते हैं और SRC पे राइट क्लिक करते हैं और एक क्लास को सिंपली हम क्रिएट करते हैं। ओके, तो यहाँ से अगेन इस पर क्लिक करेंगे। ओके, हमारा टाइप हो गया, तो यहाँ से गायब हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से सर्च पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। कभी भी अगर आपको ऐसे हो तो ऐसे को फाइंड कर दिया, यहाँ पर देखिए जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर जेंडर करके इस पर क्लिक करिए तो आपका जो प्रोजेक्ट वाला एक्सप्लोरर था वो चला आएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम 27 है, इसके SRC पे आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे आएंगे और यहाँ से क्लास पे आएंगे। ओके, क्लास का नाम हम देंगे सिंपली फैक्टोरियल। ओके, और इसका हम नाम देंगे कॉम डॉट श्याम, ये हमारा पैकेज रहेगा। फिनिश कर देते हैं, सबसे पहले फिनिश पे क्लिक करते हैं, तो ये हमारा क्लास जनरेट होगा। फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है ये हम पहले समझने की कोशिश करते हैं, देन इसके हम प्रोग्राम को राइट करेंगे कि कैसे हम इस प्रोग्राम को लिख सकते हैं बेसिकली। ओके, सपोज कि अगर आपको 4 का फैक्टोरियल निकालना है तो कुछ ऐसे साइन यूज करते हैं। ओके, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं, तो इसको यहाँ पर सिंपली हम ऐसे लिखते हैं कि 1 × 2 × 3 × 4, ऐसे कुछ अपने को प्रोग्राम लिखना है अगर 4 का फैक्टोरियल निकालना है। तो इस तरीके से हम फैक्टोरियल को निकालते हैं। इसी तरीके से अगर अब जो भी इसका सम आएगा वो अपने को यहाँ पर लिखना है, तो सम इसका कितना आएगा 24 चला आएगा। 1 × 2 × 2 × 3 × 6 आएगा और 6 × 4 × 24 चला आएगा, ऐसे करके। इसी तरीके से अगर अपने को 6 को निकालना है तो सिंपली फैक्टोरियल, तो ये कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए सिंपली करेंगे क्या काम हम कि यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, देखिए 1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, देन 2 का होगा। ओके, देन 3 का कर देंगे यहाँ से, देन सिंपली यहाँ से 4 का, देन 5 का, देन 6 का। अब इसका जो भी आएगा मल्टीप्लिकेशन वो हमारा क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, इसका फैक्टोरियल हो जाएगा आपको 72 हो जाएगा। ओके, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इतना पर्टिकुलर मल्टीप्लाई, तो इसी तरीके से अपने को इसका मल्टी फैक्टोरियल निकालना है। तो इस चीज़ को हम प्रोग्रामिंग में कैसे हेल्प करेंगे, ओके, कैसे अचीव करेंगे इसको जानने वाले हैं। इसकी कोडिंग लिखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम मेन मेथड को डिक्लेयर करते हैं। मेन मेथड को डिक्लेयर करने के बाद यहाँ से हम क्या काम करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे यहाँ से इन, जिसको नाम दे देंगे फैक्ट। फैक्ट में हम 1 वैल्यू इनिशियली स्टोर करा देंगे, देन यहाँ पर हम ले लेंगे इंट और उस एक नंबर ले लेंगे, सपोज करें यहाँ पर अपने को 4 ले लिया। अब 4 का अपने को फैक्टोरियल निकालना है। ओके, तो अब इसको ऐसा कैलकुलेट एक लूप हम चलाएंगे। अब हम लूप चलाने के बाद क्या करेंगे, पहले उसको 1 से मल्टीप्लाई करें 2 से करें और लूप कहाँ चले, 1 से स्टार्ट करें और कहाँ तक चलें, इस पर्टिकुलर नंबर तक, कुछ ऐसा ही यहाँ पर होने। देखिए 1 से मल्टीप्लाई हुआ 2 3 4 5, इसी तरीके से यहाँ से मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 4 तक, जो तो ऐसा अपने को एक लूप की हेल्प से चीज़ हम अचीव कर सकते हैं। ओके, तो ये कैसे करेंगे, इंट आई इक्वल टू हमने 1 ले लिया एंड आई लेस देन इक्वल टू मतलब लिया कि कहाँ तक चलिए, जो हमारा नंबर गिवन किया गया वहाँ तक ये 1 से लूप स्टार्ट हो और ये लूप कहाँ तक चले, जब जहाँ तक ये नंबर दिया गया वहाँ तक ये हमारा पर्टिकुलर लूप चले। यहाँ पर हमने कुछ ऐसा मेंशन कर दिया और इसकी वैल्यू 1 1 करके इंक्रीमेंट होता रहे। अब फैक्टोरियल के हम क्या लिखेंगे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इंटू आई कर देंगे। तो ये काम कैसे करेगा इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले फैक्ट वैल्यू क्या है, 1 है, फैक्ट की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 हो जाएगा और 1 का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 1 × 1 जब फर्स्ट टाइम लूप चलेगा तो 1 आएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ओके, तो अभी भी फैक्ट की वैल्यू क्या है इक्वल टू 1 हो गया। अब अगर आप सेकेंड टाइम में जब भी लूप चलेगा तो इसकी वैल्यू क्या आएगा, आई की वैल्यू 2 आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 2, तो अब इक्वल टू, अब जो फैक्ट की वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देन यहाँ पर ये फैक्ट की वैल्यू 2 है एंड जब थर्ड टाइम में लूप चलेगा तो इसका वैल्यू क्या आएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ से 3 चला आएगा, तो इसका वैल्यू ऑफ फैक्ट की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा।
सिक्स हो जाएगा। और जब ये फोर्थ टाइम लूप, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर, फोर हो जाएगा। जब भी फोर्थ मल्टीप्लीकेशन होगा तो इस क्वेश्चन में क्या है, 24 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से लूप का। और ये फोर का फैक्टोरियल निकाल कर अपने को ऐसे दे देगा। अब जैसे ही लूप के बाहर आ गया तो यहाँ पर हमको जब इसमें फैक्टिव वैल्यू क्या होगा, 24 होगा। और इसको अपने को यहाँ पर प्रिंट करा लेना है। यहाँ पर सिस्टम लिख देंगे, सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट लाइन फैक्टोरियल ऑफ जो नंबर हमारा था, उस नंबर को सबसे पहले हम यहाँ पर दे देते हैं, नम कर देंगे, प्लस लगाएंगे, ईच कर देंगे, देन यहाँ पर फैक्ट को पास कर देंगे, ये अपने को फैक्टोरियल लेकर दे देगा। तो राइट क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा ये एजिटिव वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ओके, तो यहाँ से देखिए हमारा प्रोग्राम चल गया, फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24 आ गया। अगर इसी तरीके से हम 6 का देखें तो 6 का भी हम यहाँ पर देते हैं, राइट क्लिक करते हैं, अगेन रन एज जावा प्रोग्राम पर हिट करते हैं और वेट करते हैं अपने प्रोग्राम पर। देखिए 720 हमारा वैल्यू यहाँ पर चला है। इस तरीके से हम इसके फैक्टोरियल निकाल सकते हैं। इस तरीके से किसी भी दिए गए नंबर को हम फैक्टोरियल निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। ये इसकी लॉजिक है। ओके, और कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, मैंने ये भी आपको डायग्राम के दिखा दिया कि कुछ ऐसा इसको निकालना, इस चीज़ को हम कैसे प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, उस चीज़ को मैंने यहाँ पर दिखाया। इतना ही दो लाइन कोड जो है रिस्पॉन्सिबल है फैक्टोरियल को निकालने के लिए। आई होप आपको ये होल कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।